रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो की वॉर एक्सरसाइज, कोसोवो में होगी नेटो की वॉर एक्सरसाइज, जल्द शुरू होगा नेटो देशों का युद्धाभ्यास, आधुनिक हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं नेटो देश। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद है और डीके पांडे साहब, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि जब CIA चीफ जिक्र करते हैं भारत के प्रयासों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चीन का जो प्रयास है उसका जिक्र भी करते हैं और एक तरह से भारत और चीन का अहम रोल बताते हैं कि इस युद्ध में अभी तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, इसमें कितना आपको दम नजर आता है? क्या वाकई भारत और चीन जैसे मुल्कों के प्रयासों की वजह से रूस जो है वो अभी तक न्यूक्लियर वेपन मारने से रुका है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लियर वेपन की जो नजाकत है वो रशिया भी समझता है और नेटो कंट्री भी समझते हैं। मजेदार चीज ये है कि भारत ने जब भी शांति के लिए आह्वान किया है उसका उद्देश्य रहा है मानवीय कारणों से, लेकिन चीन का जो चर्चा की जा रही है, चीन जो है वो आर्थिक कारणों से जो उसको डैमेज हुआ है उसके इकोनॉमिक में वो जो है, ये भी तो है, चीन न्यूट्रल नहीं रहा लेकिन भारत न्यूट्रल रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कहा आपने मिश्रा जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो हमारी पोस्चरिंग है टूटते हम सोचते भी हैं और कर भी रहे हैं कि हम पूरे विश्व को एक अपना और ये वॉर एक्सरसाइज नाटो कुछ बड़ी तैयारी बता रही है। नाटो के बारे में बता दूं कि नाटो के बारे में कहा गया था कि ये वेंटिलेटर पर है, मतलब ये खत्म होने वाला है, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव हुआ उसके बाद से दोबारा इसको एक स्वीकृति मिल गई है पूरे विश्व में और ये दोबारा खड़ा हो गया, तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है जो खत्म हो रही थी वो जो है रिस्टोर हो गई है। तो नाटो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो एक साथ रहे और क्योंकि इसमें भी आर्थिक जो पक्ष है अमेरिका का उसके आम रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही है, ना सिर्फ उन पर हमारी नजर बनी हुई है बल्कि इस जंग के तमाम दिलचस्प पहलुओं पर भी लगातार हम कर रहे हैं चर्चा, जिसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।